ट्योटा है, ट्योटा एक गधे के ऊपर भी अगर ट्योटा का एम्बलम लगाओ तो वो गधा भी बिकेगा। मेरे ख्याल से ना अगर इतने पैसे हो ना बंदे के पास, बंदे को स्विफ्ट ले लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिंगान। अल्सविन पाकिस्तान में सबसे फेवरेट कार्स में से बनती जा रही है। लोग इसके बारे में सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे जाके और बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज भी किया है। काफी सारे शकुक व शुबहात लोगों के जहन में है इस गाड़ी को लेके कि ये पाकिस्तानी गाड़ी नहीं है, चाइना से इम्पोर्ट होती है। आज एक ओनर से जानते हैं, एक ऐसा बंदा जिसने ये गाड़ी परचेज खुद की है और काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद उनको गाड़ियों के बारे में काफी अच्छा नॉलेज भी है। इन्होंने खुद काफी सारी गाड़ियां इससे पहले रखी हैं, एक्सचेंज की हैं। इन्होंने इस गाड़ी को क्यों प्रेफर किया उस प्राइस रेंज में, जिस प्राइस रेंज में इनको पाकिस्तानी गाड़ियां भी मिल सकती थी, सिटी मिल सकती थी, इसके अलावा यारिस मिल सकती थी इस प्राइस रेंज में। तो आज इस ओनर्स रिव्यू में कामरान भाई से जानते हैं कि उन्होंने ये गाड़ी क्यों प्रेफर की ओवर ऑल दी अदर कार्स, ऑल दी अदर ऑप्शंस दैट ही हैड। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड पे हम इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस डिस्कस करेंगे। 2022 का मॉडल है, 1.5 सीसी का इंजन है और बाकी जानते हैं कामरान भाई से। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये जानते हैं आपसे कि आपने इस गाड़ी को क्यों प्रेफर किया ओवर ऑल दी अदर ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, आपने चाइना की गाड़ी क्यों ले ली? मतलब क्योंकि कंपैरेटिवली एक तो ये गाड़ी सस्ती है और लेने से पहले मुझे तो नहीं पता था कि इसमें कौन सी मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, फिनिशिंग या ये वो जो फील आती है नई गाड़ी में बैठ के या किसी भी गाड़ी में बैठ के जो फील आती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा भाई जो सबसे सस्ती है वो ले लेते हैं। उसके बाद मैंने फीचर्स देखे जो जो ये लोग ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, इस प्राइस रेंज में, जो कि बेसिकली हर कोई जिस बंदे ने भी चंगान ली हुई है ये अल्सविन वो यही चीज़ देखता है कि फीचर्स काफ़ी ज़्यादा है। बाकी बिल्ड क्वालिटी तो पर्सनली जब गाड़ी में बैठो तो फिर पता चलता है कि भाई आपके पैसे सही जगह पे लगे हैं कि नहीं। अभी चूंकि आपने गाड़ी ले ली है और आप इसका यूज़ भी कर रहे हैं, मुझे तो अभी तकरीबन मंथ हुआ है। अच्छा, एक मंथ हो गया। आपने कुछ चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व की होंगी क्योंकि इससे पहले भी आप गाड़ियाँ यूज़ करते रहे, जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं वो थोड़ा सा व्यूज़ का बताएं। इससे पहले आपने कौन सी, आई थिंक मीरा रखी हुई थी, जापानीज़ मीरा रखी हुई थी ना आपने? हाँ, वो हैचबैक गाड़ी थी, जापानीज़ मीरा। ये गाड़ी इस प्राइस रेंज में जितनी बाकी गाड़ियां हैं, चाहे जापानीज़ ले लो, पाकिस्तानी ले लो, जापानीज़ को तो नहीं पहुंच सकती लेकिन मिड में आती है, पाकिस्तानी गाड़ियों से बेहतर है ये गाड़ी। क्योंकि कामरान भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं तो मुझे आइडिया था, क्योंकि हमारी डिस्कशन होती रहती थी, इन्होंने काफी दफा मेंशन किया कि यार मैं एक आन लेना चाह रहा हूँ, हैचबैक जो है वो मैं मतलब उससे तंग आ जाता हूँ। उसकी रीजन ये है कि इनका सफर आना जाना जो है वो वाला लाहौर इस्लामाबाद के बीच में लाइक ट्रेवल्स बैक एंड फोर्थ क्वाइट ऑफन, तो उसकी वजह से इनको एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कि लंबे सफर में इनको तंग ना करे। तो आपने मेरा ख्याल है एक दो चक्कर लगाए हैं गुजरांवाला तक इस गाड़ी के ऊपर, तो क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या डिफरेंस फील करते हैं वो जो पुरानी गाड़ी आपने मीरा रखी थी और इसके अंदर? मैंने जीटी रोड से एक चक्कर लगाया है और एक मोटरवे से, सिर्फ चेक करने के लिए कि कंफर्ट लेवल क्या है। सो फार कंफर्ट लेवल तो अच्छा है, सही है। इसका क्रूज बहुत ज़बरदस्त है, इमीडिएटली गाड़ी उठती है क्रूज लगा के। ओवरटेकिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस गाड़ी की, कंफर्ट भी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। सीटें थोड़ी सी हार्ड है, शायद अभी नई गाड़ी है तो इस वजह से है, थोड़ा यूज़ होने के बाद पता चलेगा कि सीटों का कंफर्ट कैसा है। और इसका जो सस्पेंशन है, हाँ टायर छोटे हैं, टायरों का साइज़ छोटा है इसका, इस गाड़ी का वो अगर बढ़ाया जाए, जो कि मेरा है माइंड बढ़ाने का, उस साइज़ को बढ़ाने के बाद इसका कंफर्ट और बेहतर हो जाएगा। अभी हर एक खड्डा इसमें फील होता है आपको, अगर आप मोटरवे पे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे आपको कंफर्ट ज़्यादा बेहतर मिलेगा, लेकिन जो आम रोड्स हैं पाकिस्तान की उसमें ये मेरे हिसाब से जो करोला है, ट्योटा करोला की गाड़ियाँ होगी जो इसी प्राइस रेंज में आती हैं, यारिस है, यारिस मेरे ख्याल से इसे बेहतर परफॉर्म करेगी इन रोड्स पे। इसमें काफ़ी लेग स्पेस और हेड स्पेस काफ़ी अच्छा है, मतलब जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं आप इस तरह की गाड़ी से और इस प्राइस रेंज की गाड़ी से, लेकिन काफ़ी सुकून से मतलब मैं बैठा हूँ और आई कैन मनूवर अराउंड। और अगर मैं पिछली सीट पे देखूँ तो पिछली सीट्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये इंटीरियर अगर मैं इसका देख रहा हूँ, इसके जो ये एसी के वेंट्स हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं दिखने में, और इन्होंने जो इंटीरियर की जो इन्होंने शेप बनाई हुई है ओवरऑल काफी खूबसूरत है। ये इसकी स्क्रीन जो है ये बिल्ट इन जेन्युइन इसकी अपने साथ आती है, ये बाद में लगवाई हुई है, जेन्युइन है।
अजीब गलती आती है इसकी स्क्रीन। ये इन्होंने ब्लू कलर का ये दिया हुआ, ये पेपर तो नहीं है ना, ये जेन्युइन है ना? ये पेपर नहीं है। अच्छा, ये जेन्युइन है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस साइड पे जो है वो फैन की ऑप्शन है, एसी ऑन ऑफ करने की ऑप्शन है, एयर वेंट्स की ऑप्शन है। यहाँ पे ये इसके सेंटर वाले वेंट्स हैं, चार वेंट्स हैं टोटल। इसके अलावा दो एयर बैग्स आते हैं इसके अंदर, ये एक पैसेंजर साइड एयर बैग है और एक ड्राइवर साइड का स्टीयरिंग के अंदर है। स्टीयरिंग के अंदर भी मुझे कुछ ऑप्शंस नजर आ रही है मल्टीमीडिया की। इसके अलावा ये क्रूज की ऑप्शंस है इस साइड पे, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कमरान भाई। उस साइड पे वो जो ऑप्शंस हैं वो मल्टीमीडिया की हैं। ये मल्टीमीडिया की हैं। अच्छा, इसमें भी ऑल पिक एंड ड्रॉप और मल्टीमीडिया भी है, इसमें सॉन्ग नेक्स्ट वगैरह करने के लिए, साथ में क्रूज भी है इसका। और इसका स्टेयरिंग जो है वो काफी डिफरेंट कुछ शेप का नजर आ रहा है, मतलब ये अगर आप नॉर्मल स्टेयरिंग से कंपेयर करें तो जो नीचे से बिल्कुल फ्लैट है, और ये आई थिंक काफी महंगी गाड़ियों में ये फीचर एक दिया जाता है, तो ये भी काफी डिफरेंट है। वैसे इससे क्या ड्राइविंग में क्या डिफरेंस आता है, या खाली शशका ही है? नहीं, डी शेप स्टेयरिंग है इसमें, ऑब्वियसली ड्राइविंग तो काफी बेहतर है। स्पेसिफिकली चेंगान का ये जो स्टेयरिंग है ये तो बिल्कुल बटरी स्मूथ है, बहुत अच्छी फील आती है। इस तरह की फील आपको ना यारिस में आती है अगर स्टेयरिंग की बात करें, और ना ही सिटी में। मैं मीरा चलाता था जैपनीज, उनका भी अपना हिसाब होता है, लेकिन स्टेयरिंग सबसे मजे का अभी तक मुझे इसी गाड़ी का लगा है। ऊपर आपको इसके अंदर एक अलग से ऑप्शन मिलती है, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज की गाड़ी में आपको पाकिस्तान के अंदर जो अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत कम देखने को मिलती है, वो इसका सनरूफ है। कौन सी ऐसी चीज है कामरान भाई इस गाड़ी में जो आपको लगता है कि कमी है, जो हो सकती थी, जितने पैसे आपने इस गाड़ी पे लगाए हैं आपको लगता है कि उस प्राइस रेंज में आपको एक वो चीज आपको मिलनी चाहिए थी जो कि आपको लगता है इस गाड़ी में नहीं है? एक चीज तो इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है, वो होने चाहिए थे, ठीक है। बाकी यानी कि आपने इतनी मेन चीजें दे दी हैं गाड़ी में, और रिट्रैक्टेबल मिरर होना कोई मतलब इतने फीचर्स के साथ इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो होने चाहिए थे। अच्छा, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के अलावा कोई ऐसी चीज जो आपने फील की हो के वो हो सकती? इसमें पुश स्टार्ट नहीं है, पुश स्टार्ट होना चाहिए था। और ये हाई एंड वेरिएंट है, सबसे हाईएस्ट एंड वेरिएंट है, ये फुल ऑप्शन वेरिएंट है, इसमें पुश स्टार्ट नहीं है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है। ये चीजें होनी चाहिए, शायद चेंगान वालों ने प्लानिंग की हो नेक्स्ट मॉडल में देने की, इसमें होने चाहिए थे, क्योंकि प्राइस रेंज इतनी हो चुकी है, इसकी मार्केट इतनी हो चुकी है। अगर जैपनीज गाड़ियां देखो तो वो किसी बेसिक गाड़ी को भी आप लेके चलो तो उसमें भी पुश स्टार्ट और रिट्रैक्टेबल मिरर्स और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सेफ्टी भी अच्छी है इसकी, ब्रेक मैंने ABS इसका चेक किया है, ABS भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है इसका, स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकिंग वैसे भी अच्छी है इसकी। मैंने 170 पे जाके भी इसकी ब्रेक चेक की है, गाड़ी अपनी जगह छोड़ती ही नहीं है, और इसके टायर्स छोटे हैं, टायर्स छोटे होने की वजह से थोड़ी बम्पी है इसकी ड्राइव। यानी टायर अगर आप गाड़ी लेते तो आपको चेंज कराने पड़ेंगे? इतना ज़रूरी भी नहीं है, अगर कंफर्ट को लेके बंदा ऑन लॉन्ग रन अगर आपने रखनी है यूज़ के लिए, ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसने 3-4 साल 5 साल गाड़ियां चेंज करने का जिसका कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, सच ऐसा नहीं बनाया हुआ प्लान, तो फिर उसको शायद जाना चाहिए टायर चेंज करने की तरफ। अच्छा, इसमें सेंसर काफ़ी सारे लगे हुए हैं, थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेंसर्स हैं जो कि आपके मतलब यूजुअली ऑन अ डे टू डे बेसिस काम आते हैं? एक तो इसके रेयर बम्पर में पार्किंग सेंसर्स हैं, ठीक है, इसी वजह से शायद इसके स्पेयर पार्ट्स को लिया जाए तो इसका स्पेयर पार्ट काफ़ी महंगा है। चेंगान वालों के सर्विस सेंटर में मैं गया था तो वहाँ पे वो भाई साहब बैठे बात कर रहे थे कि इनके जो इसके जो बम्पर्स हैं, आई गेस दोनों बम्पर्स इसके 1 लाख और कुछ के हैं, यानी 1.25 लाख के आते हैं दोनों, काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, बाकी स्पेयर पार्ट भी इसका महंगा ही होगा। पर जो है इसका 1.5 लाख का आप कितने, 1,20,000 कुछ बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं? नहीं, एक है या दोनों हैं, लेकिन वो एक्चुअली मैंने उनसे बाद में सवाल नहीं किया, लेकिन वो बम्पर्स का मेंशन जरूर कर रहे थे, शायद दोनों बम्पर्स 1,25,000 के हैं इसके। तो ये एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है आप कंसिडर कर सकते हैं जब आप गाड़ियाँ कंपेयर कर रहे होंगे, ये और दूसरी टोयोटा की यारिस है, चीज़ आप माइंड में रख सकते हैं कि इसके बम्पर्स काफ़ी महंगे हैं, और पाकिस्तान की रोड्स पे ऐसा हो सकता है टक टुक लगी रहती है, कोई बाइक वाला आगे मार गया, कुछ हो गया, तो रिपेयर कराना पड़ जाएगा आपको, वरना खर्चा जो है वो हो सकता है, तो ये एक पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है, मतलब कोई ऐसी चीज़ कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, एसी काफ़ी अच्छा चल रहा है इसका, ब्लैक स्पेस ठीक है, मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ। इसकी मैं ऑलरेडी आगे बात कर रहा था कि इन्होंने
आर्म रेस्ट दिया हुआ है पैसेंजर साइड के लिए, जो कि आपको एक लंबे सफर में दोनों साइड पे है, तो ये राइट साइड पे भी है मेरे और ये लेफ्ट साइड पे भी है, तो लंबे सफर में काफी ज्यादा सुकून हो जाता है। अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लाहौर जा रहे हो तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो कि आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग ड्राइव के अंदर। ये जो कामरान भाई इन्होंने ये दिया हुआ है ये चीज, इसका क्या फायदा होता है? ये अगर आप रात को ड्राइव करते हैं, अभी तो ये बेसिक हो गया हर बंदे को पता है, आप इसको नीचे कर देंगे तो ये डिम कर देगा लाइट, पीछे से आने वाले ड्राइवर की अगर कोई लाइट आपकी आंख में लग रही है तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। इसकी बूट स्पेस के बारे में क्या कहते हैं? बूट स्पेस इनफ है आपका सारा सामान वगैरह, बैग्स दो तीन अगर हूँ फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ईजी है? हाँ, बूट स्पेस इसकी सही है, डिसेंट है, जितना मुझे चाहिए था उससे काफ़ी ज़्यादा है, बल्कि कंफर्टेबली काफ़ी सारा सामान आ जाता है इसमें। घर का राशन भी अगर लेने जाओ तो वो तकरीबन सारी चीज़ें बंदा मतलब मैंने रिसेंटली महीने का ही बंदा राशन लेता है इकट्ठा, तो वो इजीली बूट स्पेस सारी मतलब अभी फुल नहीं हुई थी और मेरा सामान सारा ओके हो गया था, तो पर्सनली मैं सेटिस्फाई हूँ। 35-36 लाख का बजट है तो उसमें अब ERS और सिटी तो क्रॉस कर गई हैं, वो 40 को टच करती हैं, ठीक है। स्विफ्ट भी जो है वो इसी रेंज में आती है, लेकिन स्विफ्ट का ये है वो हैचबैक है और जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर हैचबैक आपने लेनी है तो इस टाइम स्विफ्ट सबसे बेस्ट है, और सेडान गाड़ी लेनी है बूट स्पेस के साथ तो फिर अल्सविन बेस्ट ऑप्शन है। मैंने ये लेने से पहले बहुत सारे मैकेनिक्स के साथ डिस्कस किया था, सबका यही था, यही राय थी कि अभी तक हमारे पास कोई बंदा ये गाड़ी लेके अगर कोई आया तो ज़्यादातर डेकोरेशन के लिए कोई आया, तो इंजन का या कोई मतलब स्पेयर पार्ट्स का कोई अभी तक इशू नहीं आया। चंगान के सर्विस सेंटर में गया, मैंने उनसे भी पूछा, कहते हैं भाई एक्सीडेंटल गाड़ियाँ तो आती हैं, वो तो ऑब्वियसली ड्राइवर की गलती होती है, उसमें गाड़ी का कसूर नहीं होता, तो उसके अलावा अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई। ये जो ब्लू कोड टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इंजन की, इस इंजन की अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है। हमें कोई ERS और होंडा से कोई मोहब्बत तो कोई नहीं है, जो हमने निभानी निभानी है, हमने अपने पैसे को अपने मनी को वैल्यू देनी है, तो उसके लिए ये गाड़ी अच्छी है। इनफ चीज़ें हैं इसमें, इनफ कम्फर्ट है, इनफ लाइफ में आपको इतना चेंज ये गाड़ी दे देती है कि आप 35 लाख लगा के आप ये सोचेंगे भाई मैंने किसी सही जगह पे पैसा लगाया है। रीसेल का क्या अभी तक क्या क्या सीन है, कोई आइडिया है आपको रीसेल इसकी कैसी है? इसकी मार्केट जिस तरह से जा रही है ऑब्वियसली इसकी रीसेल भी अच्छी होगी। साल हुआ इस गाड़ी को तो इसकी रीसेल के बारे में उस तरह बंदा कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं बोल सकता कि भाई बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी नई गाड़ी है, यूज्ड गाड़ियों की मार्केट में जाएगी तो पता चलेगा कि इसका क्या हिसाब है। उसमें तो टोयोटा है, टोयोटा एक गधे के ऊपर भी अगर टोयोटा का एम्बलम लगाओ तो वो गधा भी बिकेगा, तो वो चीज़ तो इसमें अभी नहीं है। चंगान को तो इतना लोग फिलहाल ट्रस्ट नहीं कर रहे कि यूज़ में भी ले लें, 4-5 साल जब गाड़ी चलेगी तो पता चलेगा कि भाई इसने क्या वैल्यू बनाई है लोगों में। अभी हम गाड़ी के बहुत पीछे पास जा रहे थे तो उसने सेंसर डिटेक्ट कर रहा था और उसने जो है वो आपको बताया कि आप गाड़ी के बहुत करीब जा रहे हैं। गियर इसका जी ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल है, ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल, इसको ट्रिप्टोनिक आई थिंक कहते हैं टेक्नोलॉजी। हाँ, तो ये आपका पार्किंग है, ये आपका रिवर्स है, न्यूट्रल है और ड्राइव है, और इस साइड पे राइट साइड पे अगर आप करते हैं तो ये आपका प्लस और स्पोर्ट्स मोड है और फिर माइनस स्पोर्ट्स है। जब आप इसको मैनुअल में स्विच करते हैं तो पहले स्पोर्ट्स होगा, फिर आपने अगर आप या डाउन जब डाउन करेंगे तो फिर ये मैनुअल में शिफ्ट हो जाता है। फाइनली आप लोग सारे सोच रहे होंगे कि कितने की पड़ी है गाड़ी, तो थोड़ा सा प्राइस डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम सब जो है ना वो गाड़ियां देखते हुए प्राइस को बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली कंसिडर करते हैं पाकिस्तान के अंदर, अभी गाड़ियां महंगी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं रिसेंटली। कामरान भाई आपको ये गाड़ी कितने की पड़ी ओवरऑल, अगर उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके बता दें कि आपने शोरूम से कितने की उठाई, फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस क्या होती है और सारा खर्चा ओवरऑल कितना खर्चा माइंड में रखे बंदा। प्राइस के हिसाब से जब मैंने लिया उस टाइम इसकी इनवॉइस जो थी वो 33-44 थी, 33,44,000, और फाइलर होने की वजह से 50,000 टैक्स था इसका, और ओन जो था वो 75,000 मैंने पे किया था, और उसके अलावा नंबर का
1,23,000 रुपया फाइलर का टैक्स आपने बताया 50,000, नॉन फाइलर का कितना? 1,00,000 बाकी भी फिर ऐड होती है, नॉन फाइलर का मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं है, और भी अगर कुछ चीजें ऐड होती हूँ कि टैक्स वगैरह बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने, अभी रिसेंटली बढ़ाया जब मैंने अप्लाई किया वो बड़े हुए टैक्स इम्प्लीमेंट हुए, तो मुझे 1,30,000 का रजिस्ट्रेशन का जो है वो हुआ है सारा कुछ। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है जितना अभी कामरान भाई ने यूज़ किया है अपनी गाड़ी को, तो जो हमारे पास जो इतनी इन्फॉर्मेशन है हम आपको दे देंगे, बाकी ये है कि डिसीजन आपका अपना है, आप अपनी ज़रूरियात के हिसाब से देख के आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देख के फिर गाड़ी परचेज करें। अभी तक का रिव्यू ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।